नीमो नाम का आदमी जो कि पेशे से चोर है, वो अपने बॉस के लिए काम करता है। आज उसका काम है एक पेंट हाउस में चोरी करना, जहां पर बहुत सारी कीमती पेंटिंग रखी हुई हैं, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग है पूरे $3 मिलियन की, और उसी पेंटिंग को वो चुराने वाला है। वो अपने प्लान के मुताबिक रात होने पर उस पेंट हाउस में घुसता है, जो बेहद ही आलीशान था। चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग लगी हुई थी। अब नीमो एक एक करके सभी पेंटिंग को रखना स्टार्ट करता है, लेकिन अभी भी उसे वो महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिली है, जिसके बारे में वो वॉकी टॉकी से अपने बॉस से बात करता है। उसका बॉस बोलता है, दूसरे कमरे में चेक करो, हो सकता है वो पेंटिंग वहाँ हो। लेकिन दूसरे कमरे में भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब मजबूरन उसे जो कुछ मिला है वही लेकर वापस आना पड़ेगा। अब उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है, जो वो डाल तो देता है, लेकिन आखिरी समय पर सिस्टम मेल फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सारे घर का सिस्टम खराब हो गया था, और ज़ोर ज़ोर से सायरन बजने लगता है। नीमो अपने साथी से बार बार पूछता है ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, और आखिर में वो कह देता है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब नीमो को जेल नहीं जाना था, क्योंकि उसका एक परिवार भी है, लेकिन ये उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। सायरन की आवाज़ें उसे बहुत तंग कर रही हैं, इसीलिए वो सबसे पहले सायरन तोड़ता है। वापस से गेट के पास जाकर उसे चाकू से तोड़ने लगता है, लेकिन ये गेट तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, और इसी वजह से साइड में लगे हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ दिक्कत आ जाती है, और अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आनी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इन सबसे परेशान होकर नीमो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है अगर अब उसने कुछ भी किया तो ना जाने इस घर में क्या क्या होने लगेगा। कुछ देर में उसका गला सूखने लगता है, तो वो किचन की टैब ओपन करता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा था। तब वो फ्रिज खोलता है, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन पानी की बोतल एक ही थी, जिसे वो पूरा पी जाता है। अब वो दोबारा से आकर मेन गेट को तोड़ने लगता है, तब उसे पता लगता है गेट असल में लकड़ी का नहीं स्टील का बना है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, और वो ये काम भी छोड़ देता है, और आकर एक बेड पर लेट जाता है, जो कि उस घर के मालिक का था। बेड पर वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही है। बीच बीच में वो अपने दोस्त को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था। अब अगली सुबह वो सबसे पहले इस घर में रखे हुए लैंडलाइन फोन को चेक करता है, लेकिन वो भी बंद था। इसके बाद वो वहाँ पर लगे हुए सभी ड्रॉर को खोलकर चेक करता है, शायद उसे कुछ ज़रूरत का सामान मिल जाए, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में उसे टॉयलेट लग जाती है, जिसके बाद वो टॉयलेट में चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ फेक फ्रूट मिलते हैं, जिसे वो गुस्से में खींच कर विंडो पर मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा घर साउंड और बुलेट प्रूफ था, जिसमें कि नीमो फंस चुका है। इसी दौरान उसे जोर से प्यास लगती है, लेकिन कल उसे जो पानी मिला था वो पूरा पी गया था। अब उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं है, जिसके बाद वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसका पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी अगर पीने लायक होता तो स्विमिंग पूल में क्यों होता। नीमो फौरन ही उस पानी को उगल देता है, क्योंकि वो बहुत कड़वा है, और अब यहाँ उसे पता लगता है कि उसके शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। तब वो उस पानी से खुद को साफ करता है। इसके बाद वो एक्वेरियम में जमे हुए पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी खराब था। इसके बाद वो नल के टैप को ऑन करता है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आता। इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आखिर में उसके दिमाग में फ्रिज आती है, जिसमें बर्फ जमी हुई है। वो उस बर्फ को निकालता है और चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझ पाती। अब वो उस घर के सारे टेबल और फर्नीचर को एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया है कि क्यों ना वो घर की छत पर जाए और वहाँ से किसी को मदद के लिए पुकारे। लेकिन छत तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ऊँची थी। अब वो सारी कोशिश करने के बाद एक बार फिर से उस घर के हाउस कंट्रोल डिवाइस को चेक करने जाता है, लेकिन इन सबसे कोई फायदा नहीं था। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लग जाती है, इसीलिए वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करने लगता है, जिस चक्कर में उसके हाथ पर एक कट लग जाता है, जिस वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है। एक बार फिर से उसके दिमाग में फ्रिज आती है, वहाँ पर जाकर वो बर्फ चेक करने लगता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा था,
क्योंकि बर्फ सारी पिघल चुकी थी। इसीलिए अब वो उस फ्रिज को ही चाटना शुरू कर देता है ताकि बची हुई बर्फ को खा सके। उसका बस चले तो वो उस फ्रिज में ही बैठ जाए, लेकिन वो उस फ्रिज में फिट नहीं बैठ पा रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाहर जोर से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अफसोस, नीमो ना तो बाहर जा सकता है ना तो वो पानी पी सकता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो उस घर को एक्सप्लोर करने लगता है ताकि शायद उसे कोई सीक्रेट दरवाजा मिल जाए। इसी दौरान उसे पानी की आवाज़ आती है, वो फौरन बाहर आता है और वो देखता है ये पानी तो असल में प्लांट सार से आ रहा है। वो फौरन उसके पास जाकर बैठ जाता है और जी भर कर उसे पीता है, लेकिन कुछ देर में वो पानी बंद हो जाता है और उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ता है। लेकिन कल वो फिर से इस पानी का इंतजार करेगा और इस बार वो इस पानी को स्टोर भी करेगा। अब धीरे धीरे करके उस घर का टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसीलिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद वो उस घर के बचे कुचे फर्नीचर को भी इकट्ठा करने लगता है ताकि वो किसी तरह से छत तक पहुँच सके, और इस बार वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। उस छत को देखकर उसे पता लगता है कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, जिसके लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और इसी दौरान उसकी नज़र घर में लगे टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आ रही थी जिसमें एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही थी। इसलिए नीमो फौरन अपने कपड़े पहन लेता है और गेट के पास जाकर उसे आवाज़ देने लगता है, लेकिन अफसोस, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखे थे। वैसे भी ये घर साउंड प्रूफ है, इसलिए वो चाहे जितना भी चिल्ला ले, लेकिन उसकी आवाज़ घर से बाहर नहीं जाने वाली है। इसी दौरान उसे कुछ ठंडी हवाएं महसूस होती हैं, जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। यहाँ पर नीमो देखता है कि हाउस कंट्रोल डिवाइस में टेम्परेचर अपने आप से चेंज हो रहा है। अब नीमो जी भर कर ठंडी हवाओं का आनंद लेता है। इसके बाद वो उस पूल में नहाता है, अगले दिन उस प्लांट सार से इकट्ठा किए हुए पानी को पीता है और ब्रेकफास्ट करता है। अब वो मिलीनियर के अलमीरा से उसके कपड़े निकाल कर पहन लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक ग्लास के बड़े से जार को तोड़ देता है और उस जार के टूटे हुए दो बड़े टुकड़ों को एक कपड़े में बांधकर खुद के लिए एक चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर छत के करीब जाता है और उसे तोड़ने लगता है। वो काफ़ी टाइम तक उस छत पर लगे ग्लास को तोड़ता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। इसके बाद वो उसके पास लगी सीमेंट को हटाना शुरू करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसीलिए वो थककर फिर से नीचे आ जाता है। चूंकि ये एक मिलीनियर का घर था, इसीलिए सिक्योरिटी तो टॉप क्लास की होनी ही थी। अब इन सब से थककर वो अपने लिए कॉफ़ी और पास्ता बनाने लगता है। इसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता है और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते हुए देखता रहता है। अब उसे ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके पास इसके सिवा और कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे ये टेम्परेचर और भी कम होने लगता है, यानी कुछ देर बाद यहाँ पर बर्फ गिरने जैसा माहौल होने वाला है, जो कि नीमो के लिए मुसीबत भरा होगा। वो एक बार फिर से ऊपर चढ़ता है और छत को तोड़ने में लग जाता है। इस बार वो ग्लास को नहीं बल्कि उसके आसपास लगी सीमेंट को तोड़ता है, जो काफ़ी हद तक टूट भी जाती है। लेकिन अब ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए वो उस डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में ये काम कैसे करता है। एक बारी वो फिर से ऊपर चढ़ता है और इस बार उसने विंडो के आसपास की सीमेंट को तोड़ दिया था, लेकिन नीमो देखता है उसके नीचे लोहे की एक परत लगी हुई है जो कि स्क्रू से टाइट की गई है और उसे तोड़ पाना असंभव है। इसलिए वो निराश होकर नीचे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र बाहर बैठे एक कबूतर पर पड़ती है, जो कि उसी की तरह मजबूर था क्योंकि उसके पंखों पर चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रहा था। लेकिन नीमो को ये पता नहीं चलता। वो कबूतर से बात करता है और कहता है, तुम जाकर मेरे भाई से कहो मुझे यहाँ से बाहर निकाले, क्योंकि मैं अभी यहीं फंसा हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। अब उसकी बॉडी के साथ उसका दिमाग भी थक चुका था और वो हार मानने लगा था, इसलिए अब वो उस घर में जितनी भी महंगी महंगी पेंटिंग थी जिन्हें वो चुराने आया था, उन्हें तोड़ने लगता है और कई घंटों तक वो ऐसा ही करता रहता है। इसके बाद वो उस मिलीनियर के वार्ड रूम में जाता है, जहाँ पर उसे सूट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन तभी उसे अलमारी के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है। अब वो सारे कपड़े हटाकर देखता है तो अंदर जाने का रास्ता था,
अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है, जहां पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वो एक डमी था, जिसे हटाने पर नीचे उसे कुछ पेपर मिलते हैं जो कि आइंस्टीन हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जिसमें लिखा था मैरिज हेल एंड हेवन। निमो उसे पढ़ता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद उसे यहाँ लगी एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। ये वही पेंटिंग थी जिसे चुराने के लिए वो यहाँ आया था, यानी कि वो $3 मिलियन वाली पेंटिंग, और ये डमी भी हाउस ओनर का ही था। निमो को अब यही लगता है कि शायद वो यहाँ मारा जाएगा। दूसरी ओर हम उस कबूतर को देखते हैं जो कि अब मर चुका था। अब निमो का भी कुछ यही हाल होने वाला था, क्योंकि उस घर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तभी उसे CCTV में दिखता है कि वो मेड घर के बाहर बैठी हुई है। इसके बाद वो तुरंत भागकर दरवाजे पर जाता है और दरवाजे को पीटने लगता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज़ घर के बाहर नहीं जा पाती। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है, फिर वो वहीं सो जाता है। अब एक बार फिर वो उस विंडो के पास जाता है और अब उसे आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए। अब वो लकड़ी से स्क्रू ड्राइवर बनाता है और स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से वो नाकामयाब रहता है। पर दोस्तों, अब भी उसके अंदर हिम्मत और उम्मीद बाकी थी और वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बार वो स्क्रू खोल लेता है। लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बचे हुए स्क्रू को खोल सके। और यहाँ अब हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि निमो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो खुद से ही बात करता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो उसके पास कुछ खाने के लिए है और ना ही पीने के लिए। वो वहाँ लगे हुए पेड़ों को भी हिलाता है ताकि उसमें से कुछ निकल आए, लेकिन कुछ नहीं निकलता। और आखिर में उसे कुत्ते का खाना खाना पड़ता है, जो काफ़ी बुरा था, लेकिन भूख कुछ भी खिला सकती है। अब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उसके दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकले। इसीलिए वो बाकी बचे हुए स्क्रू को भी खोलने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। यहाँ उसके पैर की एक हड्डी टूट जाती है, जो उसके लिए एक और मुसीबत खड़ी कर देती है। लेकिन तभी उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी टेप से बंधा हुआ था। वो उस पेंटिंग को गिरा देता है और कहता है, जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया, मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही थी, सभी इंजॉय कर रहे थे। ये सब ऊपर से निमो देख रहा था, लेकिन वो यहाँ कैद है। तभी उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जैसे कि वो मेड उसके पास आ गई है और उसे आज़ाद कर दिया है। उसी समय उसकी नज़र ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, जिससे उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। अगर वो इस फायर अलार्म को ऑन कर दे तो वो पानी पी सकता है। इसीलिए वो कुछ पेपर इकट्ठा करता है और अगले दिन जब विंडो से सनलाइट अंदर आती है तो वो एक लेंस की मदद से उसमें आग लगा देता है। फिर वो उस आग को फायर अलार्म के पास जाकर रख देता है, जिससे अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का सार्क सिस्टम ऑन हो जाता है और चारों तरफ पानी गिरने लगता है। लेकिन इस बार भी वही होता है जो हर बार हो रहा था, पूरे घर में पानी भर गया है, लेकिन बाहर किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं है। अब निमो को समझ आ गया था कि वो गरीब ही ठीक था, कम से कम उसके आसपास वाले लोग उसकी फिक्र तो करते थे। ये अमीर लोग जो होते हैं अपने में ही मस्त रहते हैं, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इनके साइड वाला पड़ोसी कैसा है, क्या कर रहा है। अगर ऐसा होता तो आज वो बच जाता। सीन शिफ्ट होता है और हम 1.5 महीने बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर निमो अब बहुत कमजोर हो चुका है। बाहर बर्फ गिर रही है, यानी कि अब ठंड का मौसम आ चुका है। लेकिन अब निमो ने सारे स्क्रू को खोल लिया, अब वो बाहर निकलने वाला है। लेकिन उससे पहले वो उस घर की दीवारों पर कुछ बातें लिखता है, जिसमें वो इस घर के मालिक को कहता है कि मैंने आपके सारे घर को बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये घर नहीं, असल में एक जेल है, थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें पता चलता है कि निमो ने उस विंडो को खोल लिया था, जिसके कुछ देर बाद ही वो बाहर चला जाता है। लेकिन उस विंडो के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से वो बाहर जा सके, इसीलिए या तो वो वहाँ से कूदकर मारा गया होगा या तो किसी को बुलाकर मदद ली होगी। और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, निमो बच गया होगा या मारा गया होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं।